हेलो, वेलकम टू ट्रेड एमआरआई। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी की एक सिस्टम जो कैसे 50,000 पॉइंट्स तक ले सकती है विद एमी ब्रोकर। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ही एंट्री ली है मैकेनिकल सिस्टम में, और यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के एग्जिट्स हैं। एक टाइट एसएल वाला, जो लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेते हैं या 100% एक्यूरेसी चाहते हैं, वो लोग इसमें आएंगे, जो टिप्स लेते हैं वो सब। फिर एक लोग जो रिलक्टेंट है, जो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखते हैं, उनका क्या हो सकता है। और एक जो प्रॉपर बैक टेस्टिंग करके मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके जिन्होंने सीखा है, उनका क्या हो सकता है। हम ये तीन आउटपुट्स देखेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की सिस्टम है जो कि 48,619 पॉइंट्स करी है। हमने बैंक निफ्टी एक स्टॉक है ऐसा कंसिडर करा है यहाँ पे, जस्ट वन, क्योंकि इंटू 40 करेंगे, इंटू 25 करेंगे, पहले 20 पॉइंट्स था तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा एंड वो लैक्स में प्रॉफिट, तो दिमाग खराब हो जाता है। इसके लिए हमने एक ही बैंक निफ्टी कंसिडर किया है। तो लेट्स कंसिडर, पहले 50,000 से शुरू हुआ, तो 2010 में तो वो गया 98,619 तक। ओके, 48,619 पॉइंट्स। और इसके बीच में इस सिस्टम ने ड्रॉडाउन 7% का दिया। मींस अगर एक स्टॉक जैसे HDFC हाई पॉजिटिव कोरिलेशन वाला है, ICICI एक्सिस, इक्विटी ट्रेड करते तो मैक्सिमम -7% होता हमारा इक्विटी इस सिस्टम में। एंड यहाँ पे एक पीरियड आता जहाँ पे 2016 से 2018 तक ऑलमोस्ट 2 साल के लिए हम अंडर ड्रॉडाउन में रहते, मतलब हमारी इक्विटी ग्रो नहीं होती। ये हमको ये एमी ब्रोकर बता रहा है, ये सिस्टम बता रही है। ओके, ये 4,000 से ज्यादा ट्रेड्स में हमने इसको लगाया है और इसमें कोई टारगेट नहीं है। तो दिस थिंग इज वर्किंग ऑन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस एंड एसेट्स। उसके बाद ये अगर हम इस सिस्टम को स्टॉप लॉस को बढ़ा दें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा कर दें, तो फिर यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे ये ड्रॉडाउन 4 साल का हो जाता है, जो पहले 2 साल से भी कम था। 2-4 साल ऑलमोस्ट 2014-15 के बाद 2018 तक यहाँ पे ये सिस्टम नेगेटिव में रहेगी। ओके, नया हाई नहीं बनाएगी। सो यहाँ पे यू कैन सी कि क्या था। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग इज, जो बड़े प्रॉफिट्स हैं यहाँ पे हम 29,000 पॉइंट्स ही बनाते हैं। पॉजिटिव है पर 29 पॉइंट्स ही बनाते हैं, 29,000 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो लॉसेस जो हमारे होंगे स्टॉप लॉस और जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसकी स्पेशली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे बड़े प्रॉफिट्स है वो कम हो जाते हैं। ओके, विल सी दैट इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, नेक्स्ट, अगर हम टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि लोग काफी आजकल रखते हैं छोटे छोटे ऑप्शंस में स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट्स के, तो यहाँ पे एक दिखाई देता है कि सिस्टम स्टार्ट्स पे ली और सिस्टम 46% ड्रॉडाउन है माइनस, जो यहाँ पे पीछे 7 थी वो 11 हुई और अब 47, एंड सिस्टम कोलैप्स हो जाती है यहाँ पे। यू कैन सी 2014 के बाद आज तक माइनस होते जा रहा है सिस्टम। ओके, ऑलमोस्ट 18,000 पॉइंट्स माइनस। ओके, तो ये सिस्टम हमको बताती है कि कंटिन्यूअस स्टॉप लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, मैक्सिमम कंटिन्यूअस स्टॉप लॉसेस। ओके, तो जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। एक तो ड्रॉडाउन कितना है, कंटिन्यूस कितने लॉसेस हो सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज ड्रॉडाउन कितना होगा माइनस मेरा पोर्टफोलियो, एंड उसके लिए मैं प्रिपेयर क्या, तो ही आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। अब ये यहाँ पे डन कंपोजिट है, विच इज 48 ईयर्स ऑफ डेटा, क्योंकि एक बिलियन डॉलर कंपनी है, तो उन्होंने अगर 1974 में 1,000 डॉलर से शुरू किया होगा तो वो 1.25 लाख डॉलर तक पहुंच चुके होंगे, बट दे आर बिलियन डॉलर कंपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक डिकेड इनका माइनस है, 2003 से 2010 तक, 11 तक ये नेगेटिव में। तो इस तरह से मैकेनिकल सिस्टम काम करता है। ओके, दिस इज रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है। ओके, इसमें बहुत कुछ है बात करने जैसा। इफ यू लाइक इट डू शेयर इट, अगर लगा मुझे तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।